वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इसराइल पे प्रेजेंटली जो अटैक हुआ है, मेनली जो अटैक हुआ है वो मिसाइल से हुआ है और ग्राउंड लेवल पे भी ये अटैक हुआ है, इसको लेके। अगर हम लोग लास्ट कुछ महीनों से देखें, इसराइल हमेशा अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री के साथ वॉर में एंगेज था, नॉट ओनली कंट्री, डिफरेंट ग्रुप के साथ। अगर हम लोग गाजा में देखें तो हमास के साथ, अगर सदर्न लेबनन में देखें तो हिजबुल्ला के साथ, अगर यमन में देखें तो यती के साथ, इसके अलावा ईरान के साथ, जब हमास के लीडर को इसराइल ने ईरान में असेसिनेट किया। तो ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है जिसके साथ इसराइल का अभी झगड़ा बहुत दिन से चल रहा है। मगर प्रेजेंटली जो देखे हम लोग कि ये जो ग्रुप है ये हमेशा इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा था डिफरेंट पार्ट से, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम लोग देखें जैसे कि यती ने अटैक किया था इमन से, ऑन द अदर साइड अगर देखें हम लोग डिफरेंट टाइम में हिजबुल्ला जो है वो तो कम्प्लीटली एक्टिव था, गाजा से भी इसराइल के ऊपर डिफरेंट टाइम में ये जो मिसाइल्स था ये दागा गया। मगर ये सब अटैक्स इसराइल का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि मेजर रीज़न था इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, वो ही सब जितना भी मिसाइल्स थे उनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट कर लेते थे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि यमन से यती ग्रुप जो है वो लोग इसराइल में एक बार अटैक किया था एक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, जिसमें थोड़ा सा खरोच आया था इसराइल को, ऑन इसके लिए इसराइल ने अपनी तरफ से एक्शन लिया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में इसराइल डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वॉर में कनेक्टेड हुआ, मगर ये सारा जो वॉर था ये कोई डायरेक्ट वॉर नहीं था एक पर्टिकुलर कोई कंट्री के साथ। मगर प्रेजेंटली जो देखा गया है कि ईरान ने अपने तरफ से लगभग 180 से 200 मिसाइल्स जो है इसराइल के ऊपर दाग दिया। ये जो मिसाइल्स थे ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, और एक साथ इतना मिसाइल्स इसराइल के ऊपर जब दागा गया तो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कम्प्लीटली इसराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मतलब ये जो जितना भी मिसाइल्स दागा गया उनमें से कुछ जो मिसाइल्स थे या फिर ज़्यादातर जो मिसाइल्स थे वो ऑलरेडी इंटरसेप्ट किया गया आयरन ड्रोन सिस्टम को यूज़ करके, बाकी कुछ जो मिसाइल है वो इसराइल के धरती के ऊपर जाके गिरा, और जिसमें इसराइल के जो सिटीजन्स थे उन लोगों का भी डेथ हुआ। एग्जैक्ट काउंट क्या है ये अभी तक पता नहीं चला, हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकता है। ऑन द अदर साइड हम लोगों को जैसे पता है पास्ट का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों को इसराइल को लेकर, हम लोगों को पता है कि भाई इसराइल का अगर एक भी सिटीजन का ऊपर कुछ भी खड़ा हो जाता है तो इसराइल वो जो ये काम में जिम्मेदार है उनको कभी भी नहीं छोड़ता है, और इस बार भी हम लोग को यही देखने को मिलेगा, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो इसराइल में ये जो अटैक हुआ, यही अटैक के साथ ही साथ एक और चीज़ देखा गया कि इसराइल में डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिस्ट संगठन है वो लोग अचानक से एक्टिव हो गए, जो इसराइल के सिटीजन है उन लोगों के ऊपर वो लोग गोली बरसाने लगे। प्रेजेंटली क्या हुआ था, ये जब अटैक हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग इसराइल को देखें तो इसराइल में बहुत सारा बंकर टाइप किया हुआ है, जिसमें क्या होता है अगर कोई भी ऐसा कुछ अटैक होता है तो जो नॉर्मल सिटीजन है इसराइल के वो लोग जाके वहाँ बंकर में छुप जाते हैं। ऑन द अदर साइड कुछ टेररिस्ट संगठन थे जो लोग अपने तरफ से क्या क्या ये जितना भी मतलब जो सिटीजन है उन लोग के ऊपर गोली बरसाने लगे, जिसमें इसराइल के सिटीजन का ऑलरेडी डेथ हो गया है और आगे जाके इसराइल इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। ऑलरेडी इसराइल के जो पुलिस है या फिर इसराइल के जो अथॉरिटीज है वो लोग अपने तरफ से इन लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे जाके इन लोगों को इंटरोगेट किया जाएगा, पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ से या फिर कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है। चांसेस बहुत है, चांसेस हो सकता है कि ये लोग हिजबुल्ला से बिलोंग करता है, चांसेस हो सकता है कि ये लोग हमास से बिलोंग करता है, चांसेस ये भी है कि ये लोग यती से बिलोंग करता है। अभी कम्प्लीटली डिपेंड करता है आगे जाके कि कौन है इसके पीछे। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाए, जब हमास के सुप्रीम लीडर का डेथ हुआ था जिसमें इसराइल अपने तरफ से बॉम्ब प्लांट किया था ईरान में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उम्मीद किए थे कि भाई ईरान कभी भी जाके इसराइल को अटैक कर सकता है, क्योंकि हर कोई उस टाइम में ऐसा ही सोचता हर किसी का कि दुनिया में इसराइल और ईरान के बीच में जो जंग है वो डायरेक्टली छिड़ जाएगा उस टाइम, और आगे जाके डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो अपने जो चॉइस है उस हिसाब से ये दोनों कंट्री में से एक कंट्री को चूज करेगा और उसको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट या फिर यूएस के जितना भी चंटू वंटूज है हर कोई सपोर्ट करेगा इसराइल को, ऑन द अदर साइड रशिया चाइना ये सब जो कंट्रीज है ये सब सपोर्ट करेगा ईरान को। तो ये जो सिचुएशन था ये दुनिया भर में ज़्यादातर जो वॉर रिलेटेड सिचुएशन को लेकर एनालिसिस करता है वो लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर अभी तक ये जो सिचुएशन था ये आया नहीं था, क्योंकि ईरान जो है ईरान चुप बैठा था। हो सकता है कि यूएस ने बोला था कि भाई जो हुआ है छोड़ दो अब आगे मत बढ़ो, मगर प्रेजेंटली ईरान ने अपने तरफ से इतना बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर बरसा दिया और नो डाउट इसराइल इसका जवाब देगा। अब अगर इसराइल इसका एक्टिवली जवाब देता है तो नो डाउट ईरान का भी जो इफेक्ट है, मतलब ईरान इतना दिन से अगर चुप बैठा है तो ऑब्वियसली ईरान अपने तरफ से कुछ प्लानिंग किया है कि आगे जाके इसराइल के साथ कैसे लड़ना है। जब वो आगे आके अचानक से इसराइल के ऊपर अटैक किया है तब नो डाउट ईरान के पास भी बहुत सारा बैकअप है, जो बैकअप वो यूज़ कर सकता है आगे जाके इसराइल के खिलाफ। ऑन द अदर साइड इसराइल को अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो बैकअप मिल रहा है वो है आपका यूएस के पास से,
इसके अलावा भी आज के डेट में अगर देखा जाए ईरान को बैकअप जो कर रहे हो है रशिया। चाइना भी रशिया का बेस्ट फ्रेंड है, चाइना के साथ भी ईरान का अच्छा रिलेशन है। तो नो डाउट ईरान और इसराइल के बीच में ये जो जंग है ये छिड़ गया है और हो सकता है कभी भी इसराइल अपने तरफ से ईरान को इसका जवाब दे। अब कब कौन जवाब देगा, कब कौन आगे जाके इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो 30 से 50 दिन हैं वो जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि ईरान जो है ईरान थमने वाला नहीं है। ईरान अपने तरफ से बैकअप लेके अगर इसराइल के ऊपर अटैक किया है, इसराइल पहले से ही जो अपना मूड है वो वॉर मूड में कन्वर्ट हो गया है डिफरेंट कंट्रीज के साथ ऑलरेडी। वो लोग अगर आप देखें तो हमास को पहले मतलब गाजा में निपटा ही दिया है। इसके अलावा आज के डेट में हिजबुल्ला भी लगभग लगभग खत्म है। तो इसराइल का नो डाउट अभी जो टारगेट होगा वो है आपका ईरान। इसके अलावा भी अगर देखें छोटा मोटा जो ये यती ग्रुप है यमन का, इन लोगों को भी इसराइल टारगेट करेगा या वेस्ट बैंक जो एरिया है उसको कब्जाने का कोशिश करेगा। तो इसराइल अपना जो मूड है ये बना लिया है कि भाई आगे हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग जितना भी इसराइल के अगेंस्ट में जो जो खड़े हैं सबको एक साथ ही निपटाएंगे। अगर हम लोग यूएन में देखें तो कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू अपने तरफ से ऑलरेडी कहा है कि भाई ईरान का कोई भी जगह ऐसे बाकी नहीं है जो इसराइल के जो मिसाइल से उनके टारगेट पे नहीं है। मतलब अगर बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरा ईरान में वो लोग अपने तरफ से जो मिसाइल से वो बरसा सकते हैं। तो नो डाउट इसराइल इस तरह के वार में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसराइल जो है वो अपना जो वार टैक्टिस है वो ऑलरेडी 2 लेवल अप कर दिया जब वो लोग अपने तरफ से मेजर अटैक किया। हो सकता है कि इसराइल अपने तरफ से ऑलरेडी प्लान करके रखा है ईरान के लिए कुछ, और जो बात ईरान को अभी तक पता नहीं और इसीलिए ईरान ने ये स्टेप लिया है। ईरान अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप भी अरेंज किया है जिसमें रशिया ईरान को हेल्प किया है या फिर चाइना ने भी हो सकता है कि ईरान को हेल्प किया है, और आगे जाके ईरान इसी के भरोसे लड़ने जा रहा है इसराइल से। ऑन द अदर साइड इसराइल का क्या प्लान है ये किसी को पता नहीं, मगर इसराइल छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसराइल में सिर्फ ये जो अटैक हो रहा है मिसाइल से ये ही नहीं, ऑन द अदर साइड जो ग्राउंड लेवल पे जो टेररिस्ट है वो लोग भी जाके इसराइल का सिटीजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो नो डाउट इसराइल अभी ये सारा कुछ का बदला लेगा, और इसी बदले में हो सकता है कि आगे जाके एक्टिवली कोई कंट्री आ जाए जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना या फिर रशिया। ऑन द अदर साइड अगर ये लोग आगे आ जाता है तो यूएस भी चुप बैठने वाला नहीं है, जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है सब इसराइल का साथ देगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें एक और मेजर फैक्टर है वो है यूएस का इलेक्शन। यूएस का इलेक्शन अभी आने वाला है, कुछ ही दिनों में यूएस का इलेक्शन हो जाएगा। तो यूएस नहीं चाहेगा कि इस टाइम में इसराइल का जो वार है ये और भी नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो या फिर इस लेवल पे ये सब कुछ हो, क्योंकि ये जो वार है ये इफेक्ट कर सकता है यूएस के इलेक्शन में। ऑन द अदर साइड बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो थमने वाला नहीं है, वो अपने तरफ से जो स्पीड पकड़ा है लास्ट 1 साल से वो कम्प्लीटली अपने तरफ से इसराइल के जितना भी दुश्मन है सबको खत्म करते जा रहा है। इसके अलावा भी आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये सब तो हम लोग को पता चल गया, आप बोलिए इंडिया का क्या स्टैंड है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इसराइल जो है ये इंडिया के बहुत ही अच्छे दोस्त है, बेंजामिन नेतन्याहू ऑलवेज हम लोग को सपोर्ट किया। अगर हम लोग पास्ट में कारगिल वार देखें जिस टाइम में यूएस सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू अपने तरफ से इसराइल के तरफ से इंडिया को सपोर्ट किया था। इसके अलावा भी अगर देखें रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो नो डाउट इंडिया एक न्यूट्रल पोजिशन में है। इंडिया अभी अगर ऐसा कुछ वार शुरू होता है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिया दूर से बैठेगा सिर्फ एज ए स्पेक्टेटर कि भाई हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब तक इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हैम्पर नहीं होता, इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता इंडिया अपने तरफ से सिर्फ ये एज ए व्यूअर देखेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो पीएम है उनका कहना ही है कि भाई जो वार है ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आप बैठिए फिर अपने लोगों का डायलॉग्स जो है वो एक्सचेंज कीजिए और उससे सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ये कंट्री का जो लॉस होता है ये नहीं होता। ऑन द अदर साइड हम लोग जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो हम लोग आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे जाके क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर इसराइल कैसा स्टेप लेता है या फिर यूएस एज फॉर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कितना इसराइल को बैकअप प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर साइड रशिया या चाइना एक्टिवली आगे आके ईरान को सपोर्ट करता है नहीं, एग्जैक्टली सपोर्ट तो कर रहे हैं मतलब वॉर में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं ये भी एक मैटर है। तो जो भी होगा नो डाउट इसराइल अपने तरफ से इसका जवाब देगा, और उसके बाद ईरान का क्या स्टेप है वही हम लोग को देखना है, उस हिसाब से ये जो वार है ये एस्केलेट होगा आगे जाके, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये सारा जो सिचुएशन है ये सारा जो स्टेप है यही डिफाइन कर देगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनु पॉल, दैट इज ATANU PAUL, आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है
हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, वीडियोस डिफरेंट टाइम में आते हैं, जब भी आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।